is numerous regulation. So the company form of business has to comply with the various legal formalities at the different stages, and there is penalty if the company fails to meet any of the formalities. ठीक है, जो कंपनी होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या होता है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं डिफरेंट स्टेज में, जो उनको क्या करना है, फॉलो करना ही पड़ता है. एंड देयर इज़ पेनाल्टी इफ़ द कंपनी फेल्स टू मीट एनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज़. और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी पेनाल्टी उसको पे करना पड़ेगा जब कंपनी क्या है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है. अ कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार. जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ता है, एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और एनुअल रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है. सो दिस लीगल इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन लैक ऑफ सीक्रेसी. कि हर दिन कोई ना कोई इंटरफेरेंस क्या करता है, जो भी कंपनी का एक सीक्रेसी है वो क्या करता है, उसको फेल कर देता है. एंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज स्पेंड, और जो मनी है और टाइम भी इस पर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिले इन डिसीजन. सो इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग. ठीक है, जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेता है, बोर्ड मीटिंग में ही लिया जाता है. और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, और वेरियस जो पर्सन है उनके साथ कंसल्ट भी किया जाता है. एंड वंस डिसीजन आर टेकन दीज हैव टू बी कम्युनिकेटेड टू एवरीवन. जैसे ही कोई एक डिसीजन ले लिया जाता है उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक को क्या है, कम्युनिकेट किया जाता है, विच इज़ अगेन अ लेंदी प्रोसेस, जो क्या है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है. एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन अ कंपनी एट अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि लार्ज नंबर में क्या है, पीपल क्या है, वो अलग कंपनी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं, तो सब तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है. सो टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन इज़ अ लेंदी प्रोसेस इन अ कंपनी. ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है. नेक्स्ट है आपका ओलिगार्किक मैनेजमेंट. ठीक है, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक का मतलब होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैव कंट्रोल ऑफ अ कंट्री या ऑफ एनी कंपनी. कि एक कंपनी में बस कुछ ही पीपल का ही क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है. कहने को तो ये है कि सब लोग को क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि सबको इतनी अथॉरिटी है कि वो लोग अपना बोल सके, बट ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता. कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं जो क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं और अदर डिसीजन किसी से पूछा भी नहीं जाता है. सो ऑल्दो वी से दैट देयर इज़ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि ये बोला जाता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, बट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर. अब ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो क्या है, बस पेपर पे ही एग्जिस्ट करता है. इन रियल प्रैक्टिस, इन रियल लाइफ, कंपनी इज इन हैंड एंड कंट्रोल ऑफ अ फ्यू पीपल. कंपनी क्या है, बस कुछ फ्यू पीपल के ही कंट्रोल में है, सारे लोग के कंट्रोल में नहीं है. सारा जो कंट्रोल कौन कर रहा है, कुछ फ्यू पीपल ही कर रहे हैं, लाइक डायरेक्टर्स. जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, वही क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. द डायरेक्टर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी. जो डायरेक्टर है उसके पास क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी का. दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजन. यही पीपल जो डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं वही क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड द बेनिफिट. अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, सारे डिसीजन लेते हैं. एंड इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड द अदर कंपनी. और वो क्या करते हैं, जो भी अदर शेयर्स होल्डर हैं उनकी जो भी इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, और जो कंपनी के वो है इंटरेस्ट है वो उसको भी इग्नोर कर देते हैं. बस अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही वो सारे डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट वन इज कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट. सो इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, सच एज शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, एम्प्लॉयज, डायरेक्टर एक्सेट्रा. कि कोई भी कंपनी में क्या है, डिफरेंट वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं. सो ईच ग्रुप हैव डिफरेंट इंटरेस्ट
ठीक है, हर एक ग्रुप का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई शेयर होल्डर क्या चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले या डिविडेंड मिले, डिबेंचर होल्डर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सैलरी उसकी ज़्यादा हो, तो हर एक का क्या है, अपना अपना इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर होल्डर वॉन्ट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंक्रीज, कि जो भी डिबेंचर होल्डर हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनको ज़्यादा मिले। शेयर होल्डर चाहते हैं वॉन्ट टू रिड्यूस इट सो दैट लेफ्ट ओवर इनकम इज मोर, और शेयर होल्डर यही चाहते हैं कि जो भी डिबेंचर होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है वो कम हो जाए, अगर वो कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उनको डिविडेंड क्या होगा, शेयर होल्डर को ज़्यादा मिलेगा। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस ग्रुप, तो उसमें एक ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वेरियस ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर ग्रुप ऑफ, एवरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या चाहता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, प्रॉफिट को अर्न करे। ओके, सो इट इज़ ऑल योर जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ द कंपनी। ओके सॉरी, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो कंपनी होती है वो फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकेंड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। ओके, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर दी सेक्शन 268 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज इट प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है कि जिस कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख हो और इतना हाई हो कि जो भी कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब किया उतना ज़्यादा होना चाहिए। सो रिस्ट्रिक्ट द राइट, इट रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो भी अपना राइट, जो भी राइट है ट्रांसफ़र करने का इस शेयर को, वो अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हैज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम 200 मेंबर, जिसमें मिनिमम क्या है 2 मेंबर चाहिए एंड मैक्सिमम 200 मेंबर चाहिए, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉयज़, कि जो भी प्रेजेंट में हैं और जो पास्ट में एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सक्लूड करके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फ्रॉम एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इन्विटेशन, कोई भी पब्लिक कोई इन्विटेशन नहीं कर सकता कि आप क्या करें कि सब्सक्राइब करिए एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी की सिक्योरिटीज़ में क्या करें वो आप सब्सक्राइब करें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सो कॉम्प्लिकेटेड लाइन ना, ये पब्लिक कंपनी वही है जिसमें जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सो एज पर द कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी इज द वन, तो पब्लिक कंपनी कौन सी हुई, पब्लिक कंपनी हुई जिसमें मिनिमम क्या है आपके 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़, और इसमें क्या है कि जनरल पब्लिक को क्या है कोई भी ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है कि वो जनरल पब्लिक को क्या है इनवाइट नहीं कर सकते हैं फॉर दी सिक्योरिटीज़। ठीक है, सो हाउएवर इफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडियरी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द पब्लिक कंपनी। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी के साथ काम करी, सब्सिडियरी है, तो उसको भी हम लोग पब्लिक कंपनी ही क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी ही बोलेंगे। तो उसमें दो टाइप के होते हैं, कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू बाई द मेमोरेंडम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी की लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है, इट इज़ लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, कि उसके नोट के अकॉर्डिंग जो भी उसमें डिटेल दिया है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट।
अगर क्या है कि अगर कंपनी का वाइंड अप की कंडीशन आ गई है, वाइंड अप होने वाला है, बंद होने वाला है कंपनी, तो उस कंडीशन पे वो अपने असेट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या है, कंपनी लिमिटेड है बाय गारंटी, कि उनकी लाइबिलिटी क्या है उतनी ही लिमिटेड है। नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय इट्स द मेमोरेंडम ऑफ अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। सो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, कि जो भी लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या है, लिमिटेड है बाय द मेमोरेंडम, कि जितना जो भी मेमोरेंडम में जो उनका कंपनी का वो होता है, जो सारा जिसमें उनका सारे रूल्स रेगुलेशंस रिटन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी के जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है जो मेंबर्स होते हैं, इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम, कि अगर क्या है कि वो लोग शेयर्स पे क्या है कोई भी अनपेड करते हैं। नेक्स्ट है आपका वन पर्सन कंपनी। सो द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। जो 2013 में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें क्या था, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, कि आप पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अलावा द 2013 एक्ट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एंटिटी अ वन पर्सन, कि आप पब्लिक और प्राइवेट की जगह आप क्या कर सकते हो, एक वन पर्सन कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, ओपीसी इन शॉर्ट। सो एन ओपीसी मीन अ कंपनी विथ ओनली वन पर्सन, जिसमें क्या होता है ओपीसी, जिसमें क्या होते हैं बस वन पर्सन होते हैं, एंड इट्स एज अ मेंबर उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो क्या हो गया, वन पर्सन कंपनी ओपीसी। सो रिक्वायरमेंट, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, सो रूल 3 ऑफ 1 प्रोवाइड्स दैट द ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ठीक है। कोई भी इंडिया का कोई सिटीजन है या कोई रेसिडेंट है इंडिया का, बस वही एलिजिबल है कि वो ओपीसी वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। अब कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कर करके बहुत सारी कंपनी को स्टार्ट कर ले, कि वो डिफरेंट, बस एक ही कंपनी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इट्सेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी सर्टेन, समटाइम्स क्या होता है कि ओपीसी वन पर्सन कंपनी को कंपल्सरी हो जाता है कि वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या करे, कन्वर्ट करे, वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड 50 लाख रुपीज़, जिसमें क्या है जो पेड अप शेयर कैपिटल है ओपीसी का वो एक्सीड करे 50 लाख से, और जो एनुअल टर्नओवर है वो क्या ड्यूरिंग दी रेलिवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़, और वो 2 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर इंक्रीज करे, इट शैल सीज टू बी इंटाइटल टू कंटिन्यू एज अ वन पर्सन कंपनी। फिर क्या है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या है, वन पर्सन कंपनी की तरह वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रिविलेज और द बेनिफिट्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी, कि क्या ऐसे प्रिविलेज और बेनिफिट मिलते हैं प्राइवेट कंपनी को ओवर द पब्लिक कंपनी। तो फर्स्ट है आपका कि अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विथ ओनली 2 मेंबर्स, जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है 2 मेंबर के साथ बन सकती है, वेयर एटलीस्ट आपको पब्लिक कंपनी में क्या है एटलीस्ट आपको 7 मेंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, अब प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए, वेयर एज पब्लिक कंपनी में क्या है मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी में क्या कह रहा है कि 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए। थर्ड वन इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, कि जो भी इंडेक्स है कि उनके टाइम उनका जो भी डिटेल्स है सारा पर्सनल डिटेल्स से लेके, तो ये कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रिपेयर करे, बट इट इज़ मैंडेटरी इन दी पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी में ये एकदम मैंडेटरी है कि वो पब्लिक कंपनी क्या करे इंडेक्स को प्रिपेयर करे। अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू द डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी है वो
लोन इशू कर सकती है अब इस डायरेक्टर को बिना कोई परमिशन गवर्नमेंट के लिए। बट पब्लिक कंपनी में क्या है कि वो लोग कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वो बिफोर गिविंग द लोन टू ए डायरेक्टर दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैटूटोरी मीटिंग एंड द फाइल अ स्टैटूटोरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। कि ये कंपल्सरी नहीं है कोई भी प्राइवेट कंपनी के लिए वो कंपनी क्या मीटिंग कराए और रिपोर्ट क्या है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करे। बट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज़ एसेंशियल। नेक्स्ट वन इज देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमुनरेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। कि कोई भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, उनको रिमुनरेशन जो सैलरी होगी वो कैसी होगी। बट देर आर मैनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट। बट पब्लिक कंपनी में क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है अपॉइंटमेंट से लेके उनके कितने नंबर होंगे, रिमुनरेशन डायरेक्टर का कैसा होगा। तो ये सारा क्या है, उससे रिलेटेड है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। ये प्राइवेट कंपनी के लिए इशू नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करके जो भी जनरल पब्लिक को वो क्या करे, कॉल करे कि वो लोग उनकी जो सिक्योरिटीज़ को परचेस करे। बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, ये एसेंशियल है। सो प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि जो भी प्राइवेट कंपनी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको कोई भी सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बट जो पब्लिक कंपनी है उनको जब तक भी ये सर्टिफिकेट कमेंसमेंट का नहीं मिल जाता तब तक वो अपने कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू फॉलो अ सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। ओके, कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है फॉर इट्स फॉर्मेशन। सो प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। कि कंटिन्यूसली क्या है, प्लान एक्शन हो प्लानिंग के साथ और एक बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन, सेकेंड इज़ इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ वन इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द प्रमोशन। सो प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल दी स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया ऑफ टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज़ फॉर्म। ठीक है, प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, वो सारे स्टेप्स आते हैं जिसमें क्या है कि एक कंसेप्शन ऑफ आइडिया की बिजनेस हमें कैसे स्टार्ट करना है, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी आइडिया से लेके जब तक वो फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रमोशन स्टेज होता है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। इसमें क्या है, सारे प्रोसेस जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए ज़रूरी हैं, ऑल द रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज का, इसमें सारे प्रोसेस आते हैं। सो प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस आइडिया। प्रमोशन में क्या होता है, डिस्कवरी होती है बिजनेस आइडिया का, कि नया जो आइडिया है बिजनेस का उसको डिस्कवर करना, इट्स इन्वेस्टिगेशन, उसको इन्वेस्टिगेशन करना एंड असेंबल करना नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस। ठीक है, असेंबल करके क्या करना, नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लेना कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए। द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज। ठीक है, जो पर्सन क्या है ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है प्रमोशन स्टेज पे, उसको बोलते हैं प्रमोटर। एंड द प्रमोटर रिसीव्स सॉरी द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव्स टू फॉर्म अ कंपनी। और जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, वो सारे जो भी आइडिया है उसको लेता है, बिजनेस आइडिया को, एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव, सारे इनिशिएटिव को लेता है टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए। सो द प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सो द प्रमोटर परफॉर्म द
फॉलोइंग फंक्शन, जो प्रमोटर है वो फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। दीज फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज। ठीक है, इसमें ये सारे फंक्शन क्या है, इनको क्या बोलते हैं, स्टेप्स भी बोलता है, बोला जाता है प्रमोशन स्टेज के। सो स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज आर, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेटअप अ बिजनेस। प्रमोशन स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, कि आइडिया को डिस्कवर करना टू सेटअप अ बिजनेस, बिजनेस को सेट करने के लिए। इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये आइडिया क्या हो सकता है कि न्यू बिजनेस को सेटअप करने का, और एक आइडिया क्या कि उस बिजनेस को एक्सपैंड करने का, जो ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा है, उस बिजनेस को क्या करना है, एक्सपैंड करने का। सो द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया। जो प्रमोटर है वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया, कि आइडिया की जो भी वो डिसीजन ले रहा है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बाई एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दैट एरिया। ठीक है, कैसे कि एनालाइज करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उसको अवेलेबल हैं। सो द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइज दी वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जो प्रमोटर है वो ये भी एनालाइज करता है कि कौन से रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत है, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, और कितने कैपिटल की रिक्वायर्ड है, एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और कितना किसी भी बिजनेस में रिस्क भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारे आइडिया वो क्या करता है, लेता है। नेक्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडीज। सो आफ्टर स्टडिंग ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड, द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ द टू द आइडिया। ठीक है, जब कोई भी बिजनेसमैन की आइडिया को एनालाइज कर लेता है, आइडिया को डिस्कवर कर लेता है, द प्रमोटर स्टार्ट क्या करता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू दी आइडिया। ठीक है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि जो भी उसने आइडिया लिया है उसको प्रैक्टिकल में लेकर आ, मतलब हम लोग एप्लीकेशन पे लेकर आए और बिजनेस को स्टार्ट करें। सो ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दी कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो इसमें बिजनेस मैन क्या करता है, सारी इन्वेस्टिगेशन करता है कि कितना ज़्यादा कॉस्ट उसको लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन का कैसे, किस प्रोसेस से प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्ट की जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड कितनी है। सो वाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक्स द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। ये सब करते टाइम प्रमोटर क्या करता है, हेल्प लेता है किसी भी स्पेशलिस्ट की और एक्सपर्ट की, सच एज चार्टेड अकाउंटेंट, जो क्या करते हैं अकाउंट जो होता है उसको मैनेज करते हैं, इंजीनियर्स की हेल्प करता है। द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्टेड बाई द प्रमोटर। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो मेक एन ऑब्जेक्टिव जो भी बनाता है उसकी एनालिसिस करता है, और जो भी प्रमोटर से पूरे आइडियाज़ को लेता है, कि जो भी उसके बिजनेस का आइडिया उसको लेता है, द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रमोटर टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पेशलिस्ट है वो पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि कितना प्रॉफिट का कैसा है कंडीशन है, कितना हो सकता है, या उसको कितना कॉस्ट इनकर होगा, इससे एक वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। तो ये जो रिपोर्ट है स्पेशलिस्ट की वो प्रमोटर को हेल्प करती है टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, कि अगर उसको कोई डिसीजन लेना है बिजनेस के साइज पे, तो वो डिसीजन ले सकता है लोकेशन ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट है, जो भी जहाँ पे कोई भी मशीनरी सेटअप हुई है उनकी लोकेशन, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल की बिजनेस में कितना कैपिटल एक्सेट्रा लगेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। ठीक है, जो फिजिबिलिटी है उसके थ्री टाइप्स हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। सो फर्स्टली वी विल डील विद द टेक्निकल फिजिबिलिटी। समटाइम्स द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आइडिया अच्छा होता है बट टेक्निकली जब हम उसको करने जाते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, कि हम कुछ सोचते हैं, जब हम उसको करने जाते हैं तो वो इतना प्रैक्टिकली वो सही
नहीं होता, इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ये बेसिकली क्यों हो सकता है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपरली नहीं हुई हो, जो भी वो इनपुट्स लगाएगा जिसके थ्रू प्रोडक्शन करेगा वो उसके पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो, जो टेक्नोलॉजी हो वो सही नहीं हो, तो द प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल। जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली अनफिजिबल है, मतलब इतना ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी यूजबिलिटी इतनी नहीं है, अनलेस द टेक्नोलॉजी और द अदर रिक्वायर्ड इनपुट कैन बी इम्पोर्टेड और आर अवेलेबल इन आर कंट्री। ठीक है, तो और रिक्वायर्ड जो भी इनपुट है जब तक हम उसको क्या करें, या तो हमारी कंट्री में अवेलेबल ना हो, अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, उन टेक्निक्स को, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हमको इम्पोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। सो इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल और फंड फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज। ठीक है, अगर कभी क्या होता है कि जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो भी फंड चाहिए बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट दीज कैन नॉट बी अरेंज विद इन द अवेलेबल मीन्स। तो कोई भी बिजनेस मैन है, वो जो भी इसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके थ्रू वो उतने फंड का, मनी का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी फाइनेंशियली अनफिजिबल। तब क्या हो जाता है कि ये फाइनेंशियली अनफिजिबल हो जाता है, मीन्स फाइनेंशियली वो इतना यूजेबल नहीं हो पाता है। सो फॉर एग्जांपल, वन मे हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया। ठीक है, किसी के पास एक आइडिया है कि रूरल एरिया को वो अर्बनाइज करना चाह रहा है, अर्बनाइजेशन करना चाह रहा है, मतलब उसको अर्बन करना चाह रहा है शहर की तरफ, बट द फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस बिजनेस आर सो ह्यूज। बट जो फंड रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, सो दैट इट मे नॉट बी कन्वर्टेड इंटू एक्शन प्लान। तो वो क्या है, अब वो क्या है, वो एक्शन प्लान में, एक्शन में वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना फंड है ही नहीं, तो उसको प्रैक्टिकली उसको क्या है, बनवा नहीं सकता, रूरल एरिया को अर्बनाइज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी उसके पास है। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज़ अबंडेंट। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो अबंडेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है, समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको अबंडेंट हो जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। सो जनरली बिजनेस मैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद दी आइडियाज़ विच आर प्रॉफिटेबल। तो बिजनेस मैन उसी बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं।